नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वैसे भी मौसम जो है ये बारिश का मौसम है, इसमें जो हमारा स्वास्थ्य वो अप एंड डाउन थोड़ी बहुत होती रहती है, तो अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है, आप सबको हम अपने गाँव के आसपास कुछ प्राकृतिक सुंदर दृश्य का दर्शन करवाते हैं। हम साथ ही साथ बाहर आज जाने वाले हैं, सोचें कि बारिश का मौसम है, काफ़ी दिनों से बाहर गए नहीं हैं, तो इस बारिश का मौसम में बाहर का नज़ारा भी हम देख के आएंगे और आपके लिए भी कुछ वीडियो हम बना के लाते हैं। तो वैसे वीडियो शायद काफ़ी थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखिएगा, वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। और हाँ, यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लाल बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसमें ऑल पे टिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं हमारे आसपास के जो भी सीन है, तो बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर एक पेड़ हम लोगों को दिखा है, पर इसमें ठीक से पका नहीं है, अभी सामने जाके देखते हैं, नहीं तो फिर दूसरे जगह हमें जाना पड़ेगा।
पहुंच गए हैं, लेकिन देखते हैं पका वाला मिलता है कि नहीं। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया जिस कारण से अभी पेड़ से उतरना पड़ रहा है, क्योंकि हम बारिश में भीग जाएंगे वरना। बारिश छूटने के बाद दोबारा देखते हैं। और एक जामुन गाछ हमें मिला है, देखते हैं इसमें अगर कुछ फल पके हुए हैं तो कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर पहले तो हमें सामने जाके देखना पड़ेगा, यहाँ से तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं एक दो अगर मिल जाए तो। काफी गड्ढा गड्ढी रास्ता है तो संभल के हमें उतरना पड़ेगा। अच्छा
चलो चलो चलो, फिलहाल अभी हम लोग नदी किनारे पहुंचने वाले हैं। काफी झाड़ी झंकार है इधर से। नदी का पानी स्तर कितना बढ़ा हुआ है बारिश में, देखते हैं। आप सब भी देखिए, वीडियो में देखने को मिल जाएगा कितना पानी बढ़ा हुआ है। वैसे हम लोग जामुन खाने का तो खाए, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिला जैसे हम लोग सोच के आए थे। काफी सारे पेड़ में हम लोग छानबीन किए हैं, पर मिला कम मात्रा में, उतना ज्यादा नहीं। काफी झाड़ी है, देखते हैं। ऐसे लग रहा जैसे कि हम लोग डिस्कवरी चैनल में दिखाता है ना, पहाड़ में अंदर घुस करके इधर उधर निकलना, सरवाइव करना जैसे लग रहा। इधर से भी झाड़ी है, इधर भी झाड़ी है, किधर से निकले जाएं तो किधर जाएं, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एकदम हम लोग झाड़ी में घुस गए, कौन सा रास्ता किधर निकलेगा, रास्ता खुद से बनाना पड़ेगा। संभल के चलना रे बाबू, चप्पल तो पहना नहीं है, कांटा लगेगा, कांटा लगा, कांटा लगा, गाना निकल जाएगा नहीं तो मुंह से। लग रहा संभल के चलो। छुई मुई के बहुत सारे पौधे यहाँ पर हैं, देखिए आप लोग अगर नहीं देखे हैं कभी तो। ये है छुई मुई का पौधा, छुने पर इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, देखिए देखिए आप लोग। जैसे ये वाले पत्ते को हम देख सकते हैं, शर्मा गई। तो इसी को कहते हैं छुई मुई के पौधे, छुई मुई की पत्तियां, राजवंत भी बोलते हैं इसको। लजाती है बहुत, ये शर्मा जाते हैं, छूने पर सिकुड़ जाती है। ये सभी छुई मुई के पौधे हैं। चलिए आगे का रास्ता लगभग थोड़ा बहुत, अरे बाप रे, यहाँ तो घेरा कर दिया है, जब कांटा लगा दिया है। ये तो जामुन का पेड़ है, क्या है? बाप रे, यहाँ तो ऑलरेडी कांटा लगा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग और एक जामुन पेड़ के पास आ चुके हैं। देखें यहाँ का जामुन कैसा लगता है खाने में। हम जामुन खाने आए हैं कि वीडियो बनाना है? जामुन भी खा रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो भी बना रहे हैं। जो पूरा काला काला पक गया ना, वाला मजा आएगा खाने में। तो ऊपर में दिख तो रहा है, साइज में छोटा है, छुटकू छुटकू वाला है। फ्री फ्री। अभी फिलहाल हम नदी किनारे हैं। ये जो पेड़ सब दिख रहे हैं, इसके जस्ट आगे में ही नदी है। दिखाएंगे आपको हम नदी में। ये बहुत सारे यहाँ पर सागवान के पेड़ लगाए गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया हुआ है। अभी कुछ बड़े हो गए हैं, फिलहाल तो हमारा फोकस जामुन की ओर है, लेकिन जामुन ही ठीक से यहाँ पर है ही नहीं, इतना छोटा छोटा साइज में है ना, खाने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा। आगे जाते हैं। तो अभी हम नदी किनारे ऊपर में आ चुके हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत कुछ लगा हुआ है, फसल अरहर सब लगा हुआ है। तो कुछ हद तक नदी आप लोग को देख ही रहा होगा।
चलिए नदी के सामने की ओर ले जाते हैं। फिलहाल नदी में पानी का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा ही है, पूरा लबालब तो भरा हुआ नहीं है। नदी का जलस्तर इतना है फिलहाल, थोड़ी थोड़ी मात्रा में नदी का पानी बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे जो पौधे से वो बह के आ रहे हैं, मतलब पानी का स्तर बढ़ रहा है। वैसे नीचे की तरफ पुल भी है, पर पुल यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे जगह में हम लोग की इधर से ज्यादा दूर का दृश्य दिखाना संभव ही नहीं है। तो ये रहा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। बारिश का मौसम है फिलहाल, इस साल अब तक तो नदी भरा नहीं है, नहीं पूरी तरह से भरी नहीं, नदी का जलस्तर बढ़ा नहीं है। कभी कभी तो पूरा है, जो यहाँ तक जहाँ हम लोग खड़े हैं फिलहाल, ये सब इलाका भी पानी से डूब जाता है, लेकिन इस साल अब तक इतना पानी का स्तर नहीं बढ़ा है। ये रहा नदी, हमारे पीछे में जो दिख रहा है वह नदी, स्वर्णरेखा नदी। चारों ओर पहाड़ पर्वत, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अगर अभी बारिश का मौसम है तो चारों ओर आपको हरियाली ही देखने को मिलेगी। चारों ओर कितना मस्त है, बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। तो जिस ब्रिज का हम बात कर रहे थे, ये रहा वो ब्रिज। यहाँ से भी पूरा ब्रिज तो दिख नहीं रहा है, कुछ हिस्सा आप जरूर देख पा रहे होंगे। ये हमारे गांव का ब्रिज है जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। पूरा फुल व्यू तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, इस जगह से लगभग थोड़ा ज्यादा दिख रहा, पर लेफ्ट साइड का हिस्सा नहीं दिख रहा यहाँ से भी। खैर कोई बात नहीं, आप सब ने देख लिया है नदी का पानी फिलहाल कितना है बारिश के मौसम में। अभी इधर भी आप लोग देख रहे होंगे, चारों ओर एकदम हरियाली है। बारिश का मौसम है तो पेड़ पौधों को पानी आसानी से मिल जा रहा, तो इसलिए हरे भरे हैं सब, एकदम हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए दिख रहे हैं। क्या है इसमें, कुछ होगा, कुछ क्या रहता है इस सला में, कुछ नहीं ना, चिट्टी उट्टी होगा, दीमक सब होते हैं, दीमक। बाद में कुछ और दूसरे जानवर भी बसेरा कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल तो कच्चा है, मतलब दीमक सब ही बनाए होंगे इसमें। और एक जामुन का पेड़ हमें देखने को तो मिला है, पर इसकी जो स्थान है बहुत ही झाड़ी वाले जगह में है और काफी ऊंचा भी है, तो शायद हम यहाँ वाले जामुन नहीं खा पाएंगे। आगे देखते हैं और एक दो छोटे छोटे पेड़ अगर मिलते हैं तो, यहाँ नहीं हो पाएगा, आगे चलते हैं। यहाँ एक खेत में काफी सारे पेड़ उगे हुए हैं, पेड़ों को एक बगान सा लग रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल एक साग हमें यहाँ पर देखने को मिला है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इस साग को लेके जाएं घर में पका खाएं, क्योंकि ये काफी अच्छा साग है, दवा के रूप में भी काम करता है, ये आयुर्वेदिक टाइप का साग है। तो ये रहा वाला साग जो हम को दिख गया, तो हम सोचे क्यों ना इसको लेके जाएं, काफी सेहत के लिए फायदेमंद है, खून के निर्माण में काफी मदद करता है ये साग, और भी बहुत सारे वैसे दवा के रूप में काम करता है, फायदेमंद है।
जब हमें मिला तो सोचा क्यों इसे छोड़ दिया जाए, लेके ही चलते हैं चाहे थोड़ी मात्रा में ही क्यों नहीं। वैसे इसका नाम यदि आप सबको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसे लोकल लैंग्वेज में तो कुछ अलग ही नाम से पुकारते हैं, अजीब टाइप का, कोयला खड़ा, डांगरा काटा, अजीब अजीब नाम सुन रहे हैं ना। तो आप लोग को कुछ और नाम पता है तो बोलिएगा क्या किस नाम से आप लोग जानते हैं इसे। नाम जो भी हो काम लेकिन बहुत अच्छा करता है, ये फायदेमंद है। अभी छोटा छोटा निकला है, बहुत ज्यादा झाड़ी नहीं हुआ अभी, कुछ समय बाद और ज्यादा झाड़ी हो जाएगा। वैसे फिलहाल काम का सीजन है तो लोग इधर आने का समय नहीं मिला होगा, नहीं तो ये भी नहीं मिलता है इधर, सब साग यहाँ से लोग लेके चल जाते हैं। तो भी काम का सीजन है तो लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो इधर आने का समय मिला नहीं है, तो ये हमें थोड़ी बहुत मात्रा में मिल रही है। दोस्तों फिलहाल हम घर वापस आ चुके हैं अभी, तो वीडियो में आप सभी ने देखा होगा हमने आपको चारों ओर दिखाया हमारे आसपास का नज़ारा कैसा है अभी बारिश के मौसम में। तो आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो का अंत करते हैं यहीं पर। आपको यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।